होम रेमेडीज फॉर सोराइसिस। यदि आप सोराइसिस से पीड़ित है तो मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे आप घर बैठे बैठे ही इन टिप्स के इस्तेमाल से अपने सोराइसिस के सिम्टम्स में रिलीफ पा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ कंसल्टेंट इस चैनल पे सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया, जहाँ पे हम हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज करते रहते हैं सोराइसिस पे। इस चैनल पे हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स, ट्रीटमेंट वीडियोस भी रिलीज करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज यू टू प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन आता है इस वीडियो को देखने के बाद, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में जरूर उस क्वेश्चन को उठाएंगे और उसका आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जानते हैं कि क्या ऐसी होम रेमेडीज हैं, क्या ऐसा हम अपने स्किन पे लगा सकते हैं और क्या ऐसा हम खा सकते हैं जिससे कि हमारे सोराइसिस के सिम्टम्स में नंबर वन जो सिम्टम है इचिंग और ड्राइनेस, इन्फ्लेमेशन, उसमें हमें हेल्प मिल सकती है। तो नंबर वन जो मेरे पास आपके लिए टिप है वो है कोकोनट ऑयल में कपूर को मिला के लगाने से अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजिंग एजेंट का वो काम करता है। बहुत ही सस्ता सा ट्रिक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सोराइसिस में नंबर वन प्रायोरिटी पेशेंट की रहनी चाहिए कि स्किन जो है वो ड्राई नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ड्राइनेस से ही इचिंग बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, खुजली होती है, पपड़ी झड़ती है और कट लगने की भी संभावना होती है। कट लगने से वूंड बनता है जिससे कि बाहर से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें इचिंग बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए इचिंग को रिलीज करने के लिए जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। नंबर वन मैंने आपको बताया, एक बहुत ही सस्ता सोल्यूशन कोकोनट ऑयल में हमने कपूर मिला के लगाया। नंबर टू, हम सबके किचन में मूंग दाल होती है, बेसन होता है। 100 ग्राम मूंग दाल लिया, 100 ग्राम बेसन लिया, मिक्सी में डाला, उसे ग्राइंड कर दिया, 200 ग्राम अपना डिब्बे में डाल के बाथरूम में रख लिया, इसको नहाते समय मुट्ठी भर लिया उसमें से और अपने स्किन पे लगा लिया जहाँ जहाँ भी हमें सोराइसिस है, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और ल्यूक वार्म वाटर से हमने नहा लिया। एकदम गर्म पानी से नहीं नहाने, ल्यूक वार्म पानी से हमने नहाया। इससे हमारी स्किन में स्केल्स भी हट जाएंगे, स्केल रिमूवल में भी ये हेल्प करता है और मॉइस्चराइजेशन में भी ये हेल्प करता है। दो, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन। थ्री, हमें पता है कि एलोवेरा जेल जो होता है 0.5% आप कहीं से भी ले लीजिए, दिन में एक दो बार आप लगा लो उसको, वो भी आपकी स्किन में एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये तीन ऐसी सिंपल सरल सोल्यूशंस हैं जो आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि आपको आपके इचिंग के सिम्टम में रिलीफ मिलेगा। अगली मैं बात करता हूँ कि क्या हम ऐसा खाएं, ऐसी क्या हर्ब्स हैं जिन्हें खाने से हमारे सोराइसिस में मदद हमें मिल सकती है। नंबर वन है हल्दी। 3 ग्राम हल्दी को अगर हम सेवन लेते हैं उसका रात को सोने से पहले, मान लो गर्म दूध में आप 3 ग्राम हल्दी घोल के पी जाओ। हल्दी में हमें पता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और सोराइसिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें हमें इन्फ्लेमेशन को कम करना है, तो हल्दी का हम सेवन कर सकते हैं। नंबर टू, सोराइसिस का जो ट्रिगर होता है वो है मेंटल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कम करने के लिए जो नंबर वन हर्ब है आयुर्वेद में वो है ब्रह्मी, राइट। अगली जो चीज़ है, जिन लोगों को सोराइटिक आर्थराइटिस होता है, उनके जॉइंट में पेन होता है, तो पेन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं शलाकी या फिर बॉसविलिया में। ये तीन ऐसी हर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको मार्केट में इजीली आप चाहें तो अलग से भी खरीद सकते हैं और इसको यूज़ करके भी आप अपने सोराइसिस के सिम्टम्स में थोड़ा बहुत रिलीफ पा सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये कोई क्योर नहीं है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सोराइसिस जब मेरी स्किन पर आया है वो कहना क्या चाह रहा है। देखिए, सोराइसिस एक सिम्टम है, सोराइसिस जब हमारी स्किन पर आता है तो वो बता रहा है कि शरीर के अंदर कुछ डीप चल रहा है। मे बी हमें ओबेसिटी है, मे बी हमें बीपी की प्रॉब्लम है, मे बी हमें शुगर शुरू होने वाला है, या हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं, शुगर लेवल्स हैं, वो डिरेंज्ड हैं। मे बी हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, मे बी हमारे घर परिवार में किसी और को ऑटोइम्यून कंडीशन कोई और है। तो सोराइसिस जब आता है स्किन पे, वो ये बताने आता है कि कुछ ना कुछ और बिगर प्रॉब्लम लाइफ में शुरू होने वाली है, तो उससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि मुझे सोराइसिस हुआ है तो आखिर मेरा कॉज क्या है, मुझे सोराइसिस आखिर शुरू हुआ क्यों, और जब तक हम उस कॉज को ठीक नहीं करेंगे तब तक सारी चीज़ें सिर्फ सिम्टोमेटिक क्योर हैं, राइट। तो इसलिए मैं अपने सभी व्यूवर्स को अर्ज करता हूँ कि सही समय पर सही हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जुड़ें और क्योर पाएँ अपने सोराइसिस से। यही सारी हर्ब्स जो मैंने आपको बताई और जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया, हमने काला क्लब ग्लोबल पे पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस में एक ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप कर लिया है जहाँ पे हमने एंशियंट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से कंबाइन कर दिया है। जो ब्रह्मी, शंख पुष्पी, शलाकी, बॉसविलिया, जो सारी हर्ब्स मैं बता रहा हूँ आपको, हमारा टर्मरिक जो मैंने आपको बताया, ये सारे हमारे ड्रग्स में डले हुए हैं जिनका नाम है सौरकाया, सौरकाम और इम्यूनोकाया। और जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पपड़ी को कम करने में, लाली कम करने में, उठे हुए पैचेस को कम करने में, वो है हमारा सौरकेयर ऑयल। और इस ऑयल की एप्लीकेशन दिन में 2-3 बार करने से ही आप देखेंगे कैसे 2 हफ्ते में सारे आपके जो स्केल्स हैं वो ठीक होते जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आता है और ऐसी टिप्स जानने के लिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, हमारे पास नीचे नंबर दिया हुआ है, फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। आगे जाके ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचे, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम था डॉक्टर सम्यक धवन, थैंक यू।